कंटिन्यू करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स. सो जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन रिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, ये रिएक्शन अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं इन कार्बिन्स सेक्शन में. कार्बिन्स एज ए इंटरमीडिएट जब अपन यूज़ करते हैं तो साइक्लोप्रोपेन रिंग स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो कार्बिन के सेक्शन में अपन ने रिएक्शन देखी है. तो हमने देखा है कि वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बिन इज़ पाई इंसर्शन रिएक्शन. और दो टाइप के रिएक्शंस थे कार्बिन्स के, एक था पाई इंसर्शन रिएक्शन, दूसरा था सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन. तो यहाँ पे अपन पाई इंसर्शन रिएक्शन देख रहे हैं जिससे साइक्लोप्रोपेन रिंग स्ट्रक्चर बनती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डायजोमीथेन है. डायजोमीथेन ये इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट ब्रेक डाउन हो जाता है. जो जो लिविंग ग्रुप है दैट इज़ अ नाइट्रोजन. रिमेंबर कि नाइट्रोजन इज़ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप. ठीक है ना, तो नाइट्रोजन निकल जाएगा, जो बचेगा अपने पास दैट इज़ गोइंग टू बी अ कार्बिन. ठीक है, इसको मिथिलीन बोल रहे हैं या कार्बिन बोल रहे हैं अपन. अब ये जो कार्बिन है ये अपन किसी डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने सिस अल्कीन लिया हुआ है. अगर ये सिस के साथ रिएक्ट होगा तो अपने को सिस प्रोडक्ट मिलेगा. द रीज़न फॉर दैट सिस प्रोडक्ट, या इसको सिन प्रोडक्ट बोलेंगे. द रीज़न फॉर दैट कि जो कार्बिन है वो सिन एडिशन दिखाता है. ओके, जो कार्बिन है वो सिन एडिशन तो इसलिए अपने को, इसका मतलब ये है कि ये एक ही फेस से ऐड हो रहा है. ये अपन ने ऑलरेडी देख चुके थे कि ये एक ही फेस से ऐड होता है, और जिसके वजह से जो दोनों, अगर मान लो ये नीचे से ऐड हो रहा है इस डबल बॉन्ड के, तो ये जो दोनों मिथिल ग्रुप है ये ऊपर के साइड में उठेंगे जैसे इस तरह से. ऑलराइट, और अगर ऊपर से ऐड हो रहा है तो नीचे के साइड में. इट डजंट मैटर, मेजो कंपाउंड बन रहा है अपना बेसिकली. इट्स अ मेजो कंपाउंड, सो ऑप्टिकल एक्टिविटी तो वैसे भी नहीं मिलने वाली. सो इट डजंट मैटर इफ इट इज़ अटैकिंग फ्रॉम द टॉप और इट इज़ अटैकिंग फ्रॉम द बॉटम. What we get is a meso compound, right? You get the same compound, right? So ये जो है this is the addition of carbene to a pi bond or insertion of a carbene to a pi bond, जिसके वजह से cyclopropane ring structure अपने को मिलता है. अगर मान लो मैं यहाँ पर trans लेता हूँ तो उस case में मेरे को trans product मिलेगा. ठीक है, अगर ये मैंने trans लिया alkene तो मेरे को trans product मिलेगा यहाँ पर. Alright? तो ये कार्बिन वाली रिएक्शन हो गई. नेक्स्ट रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. ठीक है, अभी तक अपन ने एडिशन रिएक्शंस देखे. नेक्स्ट जो सेक्शन अपन देख रहे हैं दैट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें अपन अल्कीन्स को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं. ठीक है, तो पहला रिएक्शन है सिन हाइड्रोक्सीलेशन. ये दो तरीके से किया जाता है, इसके दो मेथड्स है सिन हाइड्रोक्सीलेशन करने के. तो सबसे पहले अगर मान लो मेरे पास अल्कीन है, ठीक है, उसको मैं रिएक्ट करता हूँ विथ पोटेशियम परमैंगनेट इन कोल्ड अल्कलाइन कंडीशन. ठीक है, देखो अल्कलाइन कंडीशन है, पीएच इज़ मोर देन 8. ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट लिया है तो उसका अनायन अपने को मिल रहा है और उसको रिएक्ट कर रहा हूँ मैं अल्कीन के साथ. ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है पोटेशियम परमैंगनेट का. तो ये है एम एन ठीक है, तो कहीं पे डबल बॉन्ड कर देते हैं, कहीं पे डबल बॉन्ड कर देते हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस, ये हो गया मैग्नेट आयन. ठीक है, तो बेसिकली टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा इसका. दोनों जो ऑक्सीजन रहेंगे, जो चारों ऑक्सीजन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रहेंगे. सो मैं इसको नेगेटिव चार्ज कहीं पे भी दिखा सकता हूँ और डबल बॉन्ड कहीं पे भी दिखा सकता हूँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर. तो जो मैं कर रहा हूँ दैट इज़ बेसिकली आई एम ड्राइंग वन ऑफ द रेजोनेंस फॉर ऑफ पर मैग्नेट आयन. ठीक है, नाउ सपोज कि देर इज सेकंड, ओप्स, सपोज कि देर इज अल्कीन. ठीक है ना, इस तरह से तो होगा क्या,
ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे ऐड होंगे और इस तरह से एक अपना कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कैन सी दैट। अब यहाँ पे अल्कीन में जो ऑक्सीजन्स ऐड हुए हैं वो एक साथ ऐड हुए, मतलब फिर से अपने को सिन एडिशन अपने को मिल रहा है यहाँ पे, सिन एडिशन, ठीक है। मतलब एक ही फेस से ऐड होंगे ये दोनों जो ऑक्सीजन ऐड हुए परमैंगनेट आयन के, तो दोनों एक ही फेस से ऐड होंगे, ऑलराइट। और फिर इसको मैं हाइड्रोलाइज कर रहा हूँ, देखो वाटर है, हाइड्रोलाइज कर रहा हूँ इसको, तो ये जो मैग्नेट है MnO2 ये निकल जाएगा और ये दो ऑक्सीजन यहीं पे रह जाएंगे, ठीक है। और इवेंचुअली ये जो है ये मैग्नेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैग्नेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। वी डोंट नो हाउ दैट हैपन्स एक्चुअली, इसका जो भी मैकेनिज्म है वो होते रहेगा, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। लेकिन इसेंशियली ये छोड़ जाएगा अपने दो ऑक्सीजन यहाँ, ऑलराइट, और अपने को डायोल मिलेगा, ऑलराइट। इसी को अपन ग्लाइकॉल भी बोल सकते हैं या डायोल बोल सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये रहेगी कि ये जो दो ऑक्सीजन ऐड हुए हैं ये भी सिन एडिशन दिखा रहे हैं, मतलब एक ही फेस से ऐड होंगे, ठीक है। तो अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर रहा तो उसमें ये अपने को ज़्यादा कन्वीनियंटली दिखाई देगा स्टीरियोकेमिस्ट्री, अगर असाइक्लिक है तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन और उसमें कुछ खास चीज़ अपने को दिखती नहीं है। लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर में वी शुड बी एबल टू सी अ सिस एडिशन, सिस प्रोडक्ट, ओके। तो दो एज ग्रुप जो रहेंगे साइक्लिक में वो सिस रहने चाहिए। तो ये एक मेथड है पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पे देखो पोटेशियम परमैंगनेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसीलिए हम लोग कोल्ड ले रहे और अल्कलाइन कंडीशन में ले रहे, अगर एसिडिक कंडीशन में लेते हैं और हॉट लेते हैं इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इस कंपाउंड को तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, ऑलराइट, पूरी तरह से ऑक्सीडाइज कर देगा, डबल बॉन्ड को ही ऑक्सीडाइज कर देता है। तो वी डोंट वांट दैट, ठीक है ना, हमको पूरा ऑक्सीडेशन नहीं चाहिए, अपने को पार्शियल ऑक्सीडेशन चाहिए। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन के लिए कौन सी कंडीशन यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कोल्ड और अल्कलाइन कंडीशन, क्लियर है। तो ये एक रिएक्शन है विथ कोल्ड अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। ऑलमोस्ट उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है जैसे मैग्नेट का स्ट्रक्चर होता है, ऑलमोस्ट उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड का, ठीक है। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड में द ओनली डिफरेंस हियर इज दैट इट इज़ नॉट आयन और यहाँ पे चार डबल बॉन्ड्स बेसिकली अपने पास रहेंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा मैं इसको ऑस्मियम कर देता हूँ, दिस इज ऑस्मियम और ये डबल बॉन्ड हो जाएंगे, ऑलराइट। द डिफरेंस इज कि ये नेगेटिव चार्जेस इसमें नहीं रहेंगे, हो गया, ये हो गया अपना ऑस्मियम टेट्रोक्साइड और ये भी इसी तरह से ऐड होगा। सो अपने को फिर से यहाँ पे सिन एडिशन मिलेगा, ये अपना इंटरमीडिएट मिल रहा है अपने को, ऑलराइट। और फिर इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, वी गेट रिड ऑफ दैट ऑस्मियम थिंग एंड अपने को जो मिल रहा है दैट इज़ ये। तो यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है इसमें रिडक्शन किया जाता है लास्ट स्टेप में, दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ H2SO4 और सोडियम बाय सल्फाइट, ठीक है। तो ये ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा क्योंकि ये कोई पूछने वाला नहीं है तुमको। व्हाट यू नीड टू नो इज पोटेशियम परमैंगनेट, अल्कलाइन कोल्ड पोटेशियम परमैंगनेट या ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, पिरिडीन या सॉल्वेंट है, सो अगेन डोंट हैव टू रिमेंबर दैट, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड अपने को सिन एडिशन देता है और डायोल या ग्लाइकॉल बनाता है, ठीक है। इसमें ऑस्मियम टेट्रोक्साइड ये जो है दिस इज अ बेटर, इट्स अ बेटर रिएजेंट, बट ऑस्मियम टेट्रोक्साइड इज अ वेरी एक्सपेंसिव रिएजेंट, सो रिमेंबर दैट, इट गिव्स यू अ वेरी गुड यील्ड, एक्चुअली बेटर यील्ड देन पोटेशियम परमैंगनेट, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज़ ऑल्सो टॉक्सिक, सो नोबडी वॉन्ट्स टू वर्क विद दैट। देर आर अदर वेज ऑफ डूइंग थिंग, पोटेशियम परमैंगनेट जो है इट्स अ वेरी कॉमन रिएजेंट एंड इट्स रिलेटिवली चीप, क्योंकि बहुत कॉमन रहने की वजह से ये काफ़ी ईजीली अवेलेबल रहता है और काफ़ी चीप भी है, तो अपन इसको धड़ल्ले से यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ऑलराइट। सो दिस इज ऑक्सीडेशन, ऑलराइट। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है इसका कलर पर्पल होता है, ऑलराइट। तो जो अपन रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पे इसका पर्पल कलर है, जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज़ कलरलेस। तो अगर पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट गेट डीकलराइज्ड, देन
द स्टार्टिंग मटेरियल मस्ट बी एन अल्कीन, ठीक है, अल्कीन और अनसैचुरेटेड, इसेंशियली इट कैन बी अल्कीन और अल्काइन, ध्यान में रखना, दोनों के साथ रिएक्शन हो सकती है, अपन अल्काइन के सेक्शन में भी देखेंगे, कोल्ड अल्कलाइन के साथ रिएक्शन होती है, सो इट कैन बी अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट ये एज अ टेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं अपन, कोल्ड अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, इट कैन बी यूज एज अ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ठीक है। इस टेस्ट को अपन और इस रिएजेंट को अपन बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट और टेस्ट को बोलते हैं बेयर्स टेस्ट, ऑलराइट। कौन सा रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, ऑलराइट। एसेंशियली व्हाट वी गेट एट द एंड इज ब्राउन पीपीटी ऑफ MnO2, एसेंशियली दैट इज समथिंग व्हाट वी गेट एट द एंड, उसके बारे में वी डोंट हैव टू वरी अबाउट, ऑलराइट। बेयर्स रिएजेंट जो है वो इस तरह से यूज़ करते हैं, अगर मेरे को टेस्ट करना है, अगर मेरे पास कोई अननोन कंपाउंड है और मेरे को ये आइडेंटिफाई करना है कि दैट अननोन कंपाउंड इज हैज़ अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड, तो मैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करूँगा, ठीक है। एक तो अपना ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, दैट इज़ अ वेरी कॉमन टेस्ट, ब्रोमीन वाटर डीकलराइज होता है तो ऑब्वियसली, एंड इट्स अ वेरी रिलायबल टेस्ट ऑल्सो। ये एक अलग उसकी अल्टरनेटिव टेस्ट है, तो मैं 2% बेयर्स रिएजेंट लूँगा और उसको ड्रॉप वाइज टेस्ट सॉल्यूशन में डालूँगा, ओके। मैंने टेस्ट सॉल्यूशन ले लिया है अपने एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें ड्रॉप वाइज मैं वो बेयर्स रिएजेंट ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या दिखेगा, अगर मेरा स्टार्टिंग मटेरियल अनसैचुरेटेड है तो पर्पल कलर डीकलराइज होते जाएगा, ठीक है, दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। और टूवर्ड्स द एंड ये ध्यान में रखो, बिकॉज ये कभी भी पूछ सकते हैं, MnO2 का कलर ब्राउन होता है, इट्स अ प्रिसिपिटेट, इट इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर, तो ये ब्राउन प्रिसिपिटेड अपने को एट द एंड मिलता है, ठीक है। तो ये बता नहीं सकते कि ये इन्फॉर्मेशन कब अपने काम आए, ऑलराइट। सो बेयर्स टेस्ट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट फॉर द एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है, ऑलराइट। जो नेक्स्ट टेस्ट है, नेक्स्ट रिएक्शन जो है, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट क्लीवेज, राइट, और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन ऑफ अल्कीन। तो यहाँ पे जो अपन कर रहे हैं, वी आर कंप्लीटली ब्रेकिंग ऑफ द डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन, राइट। तो इसमें दो रिएक्शंस आते हैं, बेसिकली दो सेट्स ऑफ रिएक्शंस आते हैं, एक तो होता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज यूजिंग हॉट एसिडिक KMnO4, ठीक है, और दूसरा होता है ओजोनोलिसिस। तो ये दोनों रिएक्शंस अपन देखने वाले हैं। तो पहला रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज यूजिंग हॉट एसिडिक KMnO4। रिमेंबर, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 लिया था अपन ने, तो अपने को डायोल मिला था, और अगर मैं हॉट एसिडिक लेता हूँ तो ये डबल बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है, इसी को अपन बोलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं जो अपन डिस्कस कर सकते हैं। ये अपन ने अल्कीन ले लिया बेसिकली, सो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, ये अल्कीन के ऊपर डिपेंड करता है कि अपना स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा अल्कीन है, किस टाइप का अल्कीन है, उसके हिसाब से अपना फाइनल प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर स्टार्टिंग विद दिस सिंपल प्रोपीन, ठीक है ना, और इसको मैंने रिएक्ट किया है हॉट एसिडिक KMnO4 के साथ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑलराइट, और जो कार्बन्स है, डबल बॉन्डेड जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज होंगे और मेरे को मिलेंगे अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड या कीटोन, तो यहाँ पे दोनों अल्डिहाइड मिल रहे हैं बेसिकली, तो ये अल्डिहाइड मिल रहा है, ठीक है, और फिर ये अल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज होंगे ड्यू टू हॉट KMnO4 की वजह से, हॉट एसिडिक KMnO4, ये दोनों अल्डिहाइड को, अगर अल्डिहाइड बनता है यहाँ पे, तो ये दोनों जितनी भी अल्डिहाइड बनते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एंड फाइनली विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सो ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि अपना प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, ये डिपेंड करेगा कि अपने पास स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा, अपना अल्कीन कौन सा है, ठीक है। तो अभी मान लो कि अपने सिंपल अल्कीन के साथ रिएक्शन स्टार्ट किया प्रोपीन के साथ, और इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ हॉट एसिडिक KMnO4 के साथ, तो सबसे पहले तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला जो पोर्शन है
ये पोर्शन एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, मतलब टू कार्बन एल्डिहाइड, ये पोर्शन वन कार्बन एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा विच इज फॉर्मल्डिहाइड, सीधा सीधा ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, डबल बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो गए, ये दोनों पोर्शन सेपरेट हो गए, दोनों को एल्डिहाइड बना दो, ओके। तो इस केस में दोनों केस में एल्डिहाइड बनेगा, राइट। और एल्डिहाइड कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू फुल ऑक्सीडेशन बेसिकली और कंप्लीट ऑक्सीडेशन यूजिंग सेम रिएजेंट। तो इसमें अगर एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड, और अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो ये देखो रिएक्शन किस तरह से अपन लिख सकते हैं फॉर, सो इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस टू एक्चुअली गेट होल्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट। सबसे पहले लेट्स गेट, लेट्स राइट डाउन एन एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये है सी एच थ्री, ये है एच डबल बॉन्ड, तो मैं ये डबल बॉन्ड थोड़ा सा क्या करता हूँ कि खींच लेता हूँ इसको, ठीक है, लंबा सा कर दिया उसको डबल बॉन्ड को, और ये एच और ये एच। अगर तुम इस तरह से लिख रहे हो तो यू विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम विथ वॉट यू आर ट्राइंग टू ड्रॉ, ठीक है। और अब इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ विथ विथ एसिडिक KMnO4 के साथ, हॉट एसिडिक KMnO4 के साथ मैं इसको रिएक्ट करवा रहा हूँ। ना करना क्या है, ओके, हाउ डू यू राइट द प्रोडक्ट? सो इसेंशियली व्हाट यू शुड डू, ओके, ओके, तो करना क्या है कि सबसे पहले तो ये डबल बॉन्ड जो है ये हटा देगा, ठीक है, और इस डबल बॉन्ड के जगह, ओके, व्हाट वी गोइंग टू डू इज गोइंग टू राइट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट। तो ये अपना एक एल्डिहाइड बन रहा है इसमें, ठीक है। ये मेथड क्यों काम में आता है ये मैं तुमको आगे बताऊंगा, बिकॉज इफ़ यू डू दिस जो नेक्स्ट वाली जो रिएक्शन है उसमें भी तुमको तकलीफ नहीं होगी, राइट। तो ये दोनों एल्डिहाइड बन गए, तो इसको रीराइट कर लो बेसिकली, ठीक है। तो ये दोनों एल्डिहाइड को मैं रीराइट कर लेता हूँ। सो ये हो गया मेरा एसिटाल्डिहाइड, और दूसरा जो एल्डिहाइड है वो बन रहा है मेरा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। नाउ एसिटाल्डिहाइड जो है वो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है अंडर द सेम कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो एसिटाल्डिहाइड का एसिटिक एसिड तुमको सिर्फ ऑक्सीजन ऐड करना है यहाँ पे, सॉरी, ओके, एसिटाल्डिहाइड का एसिटिक एसिड बन गया, और जो फॉर्मल्डिहाइड है ये सिंगल कार्बन, उसका फुल ऑक्सीडेशन होता है सिंगल कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड, तो कंप्लीट, इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का हो ही नहीं सकता, दैट इज़ द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फॉर्मल्डिहाइड अगर बनता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो अपने को जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है एसिटाल्डिहाइड, सॉरी एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना, अगर मान लो कि मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, डबल बॉन्ड थोड़े बड़े बना देते हैं अपन, सी एच थ्री सी एच थ्री सी सी एच थ्री एच, ठीक है। सो इस तरह का अगर सब्सट्रेट ले रहे हैं और इसको मैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवा रहा हूँ इसके साथ, तो ये सबसे पहले डबल बॉन्ड हटा दो यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ दोनों जगह ऐड कर दो, तो ये मेरे को कीटोन मिल रहा है और ये मेरे को एल्डिहाइड मिल रहा है, एल्डिहाइड, ठीक है। नाउ रिड्रॉ कर दो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, और ये हो रहा है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो ये एसीटोन मिल रहा है मेरे को, एसीटोन, और ये एसिटा
एल्डिहाइड मिल रहा है। कीटोन फिर से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो ये अपना एक प्रोडक्ट मिल गया मेरे को, फाइनल प्रोडक्ट। कीटोन फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, बहुत हार्श कंडीशन में इसको ऑक्सीडेशन करवाना पड़ता है, नॉर्मल कंडीशंस में ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, इट्स अ वेरी स्टेबल कंपाउंड। लेकिन ये ऑक्सीडाइज हो सकता है एल्डिहाइड, और ये हमेशा ऑक्सीडाइज होगा फर्दर इनटू एसिटिक एसिड, हो गया। तो ये अपने दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं इसमें, एसीटोन एंड एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एक जनरलाइजेशन मैं इस तरह से बना सकता हूँ इसमें कि अगर मेरा स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल अगर इस तरह से है, सी ये डबल बॉन्ड इधर कुछ लगा हुआ है, और यहाँ पे एच है, एच है, ठीक है, यहाँ पे कोई मतलब लगा हुआ है पोर्शन, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड कार्बन लगा हुआ है और उसको कोई ग्रुप से, लेकिन मैं हाफ पोर्शन देख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये हाफ पोर्शन, ठीक है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, मैं सिर्फ हाफ पोर्शन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो ये हाफ पोर्शन अगर किस तरह से है तो उसका क्या प्रोडक्ट मेरे को मिलेगा वो देख रहा हूँ। तो अगर ये हाफ पोर्शन है मेरे पास, ठीक है, तो इसका मेरे को जब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करूँगा मैं इसका, तो मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। और अगर मान लो कि इस तरह का पोर्शन है, ठीक है, तो इसका क्योंकि मैं केमेनोफोर के साथ ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर रहा हूँ, पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा सीधा ऑक्सीजन लगाना, ये एल्डिहाइड मिलेगा और फिर ये फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू, ये फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो मिलेगा मेरा वो रहेगा CH3 C double bond OOH, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम रहेंगे, क्लियर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम रहेंगे, अरे तो ये डबल, ये यहाँ पे दो कार्बन है तो दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मेरे को मिल रहा है। नेक्स्ट, अगर इस तरह का पोर्शन है CH3 CH3, अगर इस तरह का पोर्शन है तो इसमें मेरे को सीधा सीधा ऑक्सीजन लगाना है, मेरे को कीटोन मिल रहा है, और कीटोन ऑक्सीडाइज फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो मैं यहीं पर रुक जाऊँगा, क्लियर। तो सिंपल चीज़ें हो रही है यहाँ पे, ध्यान में रखना, सिंपल चीज़ हो रही है वो ये कि अगर ये पोर्शन है डबल बॉन्ड में तो वो पोर्शन को कार्बन डाइऑक्साइड में कर दो, ये पोर्शन है तो एसिडिक एसिड, और दोनों अल्किल ग्रुप लगे हुए हैं तो वो पूरे के पूरा पोर्शन, डजंट मैटर ये सी एच थ्री है, यहाँ पे कोई आर ग्रुप भी ले सकते हैं अपन, कोई भी आर ग्रुप, तो ये आर ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा, और मेरे को कीटोन मिलेगा इसमें, ठीक है, और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, वहीं पर रुक जाएगा। ध्यान में रखना, यहाँ पे जो मेरे को है इनिशियली एल्डिहाइड्स मिलते हैं, एल्डिहाइड्स फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ओके। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो ये पोर्शन है, ये पोर्शन का कीटोन बनेगा, ये पोर्शन का कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हो गया, ऑलराइट। फिर से ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन, ठीक है, दो पोर्शन से, ये पोर्शन का कीटोन और ये पोर्शन का अल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फाइनल एसिडिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को सीधा सीधा दोनों पोर्शन सेम रहने के वजह से मेरे को कार्बन कीटोन ही मिलेगा दोनों केसेस में, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं इसमें, ऑलराइट, सो हमको आइडेंटिफाई कर देना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ठीक है, तो लेते हैं ये CH3H, CH2CH3 और CH3। अगर मैं इसको
हॉट एसिडिक के MnO4 के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो मेरे को कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हॉट एसिडिक है तो ऑब्वियसली मेरे को क्या करना है, पूरे के पूरा ऑक्सीडाइज करवाना है। ठीक, तो अगर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ हॉट एसिडिक KMnO4 तो मेरे को ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करना है। ऑलराइट, तो ये पोर्शन जो है इसमें दो कार्बन है, राइट, दो कार्बन है तो इसका ये हाइड्रोजन रहने की वजह से ऑक्सीडेशन होगा और इसको मैं दो कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, सो पहले तो एक्चुअली दो कार्बन का एल्डिहाइड मिलेगा विच इज़ एसिटाल्डिहाइड और उसके बाद दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज़ एसिडिक एसिड। सो सब पहला प्रोडक्ट मैं लिखता हूँ एसिडिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है इस पोर्शन में। ठीक है, इस पोर्शन में हाइड्रोजन नहीं है इसलिए मेरे को कीटोन मिलेगा। ठीक है, तो सिंपली ये ड्रॉ करना है, मेरे को ये पोर्शन ड्रॉ करना है, इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाना है। C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और ये मेरे दो फाइनल प्रोडक्ट्स रहेंगे। ऑलराइट, अगर मान लो मैं ये बोलता हूँ कि किसी कंपाउंड को मैंने ऑक्सीडेटिवली क्लीव किया है यूजिंग हॉट एसिडिक KMnO4 और मेरा जो प्रोडक्ट मिला है वो है एसिटिक एसिड एंड एसीटोन। ये दो प्रोडक्ट्स मिले हैं। ठीक है, तो H प्लस हॉट KMnO4। ठीक है, तो इस कंडीशन में मेरा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब ये रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, इसमें मेरे को प्रोडक्ट दे दिए है, रिएक्टेंट मेरे को ढूंढना है। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले तो दोनों स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो इस तरह से कि दोनों के ऑक्सीजन एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, पहला था एसिडिक एसिड, तो लेट्स ड्रॉ दैट CH3 COH डबल बॉन्ड। ठीक है, ये एसिडिक एसिड हो गया और दूसरा है एसीटोन, तो उसको भी हम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। और अब करना कुछ नहीं है, ये दोनों ऑक्सीजन को हटा दो और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड ज्वाइन कर दो। तो ये मेरा स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा, इसको सिर्फ थोड़ा सा और इसको एच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है ये पोर्शन OH जो था वो एच में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वी स्टार्टेड विथ अल्कीन। ठीक है ना, तो इसको एच में कन्वर्ट कर दो, तो जो फाइनल जो अपना आंसर रहेगा वो ये रहेगा CH3H डबल बॉन्ड। और इसको फिर ढूंढ लो, जो भी आंसर रहेगा तुम्हारा IPAC नेम दिया रहेगा जनरली, उसके हिसाब से तुमको आंसर उसमें से ढूंढना पड़ेगा। क्लियर है? ऑल राइट, ये एक रिव्यू क्वेश्चन है, रिव्यू क्वेश्चन को ठीक से देखो। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो और फिर उसका आंसर देखो और ट्राई टू विजुअलाइज व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग ताकि अपने को पता चले रिएक्शन किस तरह से प्ले आउट होती है। ओके, ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे दिया है विच आर द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैन आई यूज कोल्ड अल्कलाइन KMnO4? यस। ऑलराइट, कैन आई यूज हॉट एसिडिक KMnO4? नो। इससे क्या होगा, डबल बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा। कैन आई यूज ऑस्मियम टेट्रोक्साइड इन H2S? यस। ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1 and 3, करेक्ट आंसर इज डी। ऑलराइट, तो इस तरह से अपने को रिएजेंट्स उनका पर्पज़ मालूम रहना चाहिए ताकि अपन उसको करेक्टली आंसर कर सके। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ ये इस टाइप की जो रिएक्शंस रहते हैं इसमें, इसको अगर मान लो कि मैं इफ़ आई डू दिस
टेक दिस रिएजेंट एंड डू दिस, क्योंकि इससे तो ये तो रिएक्शन नहीं होगी लेकिन इस रिएजेंट को मैं इसके साथ रिएक्ट। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये रिएजेंट लेता हूँ और इसके साथ ये करता हूँ, अगर मैं ये दोनों चीज़ें कर रहा हूँ कॉल्ड अल्कलाइन के MnO4 या ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, तो मेरे को जो मिल रहा है दैट इज सिन हाइड्रोक्सी और सिन डायोल, ठीक है, और सिन ग्लाइकॉल बोल सकते हो। लेकिन अगर ये ले रहा हो और उसको रिएक्ट कर रहा हो विथ हॉट एसिडिक के MnO4, तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा? ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो वी स्टार्टेड विथ स्टार्टिंग मटेरियल जो है अपना वो ये, और इसको मैं रिएक्ट कर रहा हूँ विथ हॉट एच प्लस के एम एन ओ फोर, ठीक है, इसके साथ मैं इसको रिएक्ट करवा रहा हूँ। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? वेल, इसी तरह से काम करना है बेसिकली। रिमेंबर व्हाट वी डिड इन द अर्लियर केस, हमने डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। ये जो दो कार्बन हैं इनके ऊपर हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छे से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बाद में तकलीफ नहीं होती है। ठीक है, ये अपना साइक्लोहेक्सीन हो गया और मेरे को ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा मैं, राइट, सो निकाल दिया ये बॉन्ड। और अब उस बॉन्ड की जगह मेरे को डबल बॉन्ड ओ ऐड करना है, मतलब अल्डिहाइड बनाना है मेरे को दोनों का, ठीक है। और क्योंकि हॉट एसिडिक के MnO4 है तो अल्डिहाइड का क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। इसको मेरे को सिर्फ ठीक से या ढंग से ड्रॉ करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी तरह से तुमको स्ट्रक्चर दिया जा सकता है, ठीक है। तो मेरे को कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए इसमें कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये 6 कार्बन्स हो गए मेरे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहला और छठवां कार्बन दैट इज़ कार्बोक्सिल। सो ये मैं इसको COH और इसको COH, ठीक है, चेक कर लो, सेम स्ट्रक्चर है, इसको सिर्फ मैंने कंडेंस फॉर्म में ड्रॉ किया है। ऑलराइट, तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट रहेगा इस केस में। ऑलराइट, आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये जो रिएक्शन है ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसी तरह की रिएक्शन हमको फिर से आती है आगे जो रहेगी ओजोनोलिसिस, ठीक है। उसमें थोड़ा सा चेंज होता है लेकिन इसी तरह का रिएक्शन है। ऑलराइट, अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली पूछो। ऑलराइट, बाय, थैंक यू।